सुबह के 6 बज रहे थे और मेरी सुबह हो गई थी। मैंने सोचा था कि आज कुछ हेल्दी ट्राई करना है, आज तो हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा, सब कुछ हेल्दी होगा। 6:10 पर उठी, अलार्म लगाया था 6 का, देखा ज़रा बालकनी में जाकर देखती हूँ, बट मुझे तो डे वाली फीलिंग ही नहीं आई, एकदम नाइट वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने कहा यार ये कहीं मेरी वॉच तो ख़राब तो नहीं हो गई, तो मैंने ट्राई कर मोबाइल बंद किया एंड मैंने देखा कि यार 6 बजे ऐसा ही होता है। मैं फर्स्ट टाइम उठी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है। चुपचाप से जाकर सो गई, 1 घंटे बाद का अलार्म फिक्स किया एंड देन मैं उसके बाद उठी। सो फाइनली मेरी दोबारा से मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग गाइस, एंड मैंने स्टार्ट किया अपने मिल्क पैकेट उठाए, उसको फ्रिज में फिक्स किया एंड बालकनी मैंने ओपन की और मैंने जो मॉर्निंग वाली जो वाइब्स होती है ना, जो गुड वाली वाइब्स होती हैं, उसको फील किया। इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना मुझे कि मैं तो भाई इसको अपने डेली रूटीन में डालने वाली हूँ। मुझे 7 o'clock उठ जाना है रोज़। जो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और जो बर्ड्स जो बोल रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली फीलिंग थी, मतलब मज़ा आ गया सुबह में उठ के। अब मैंने डिसाइड किया कि 7 o'clock मुझे उठना ही उठना है। तो अब चलते हैं अपने किचन की तरफ जो हमें हेल्दी हेल्दी फूड देगा। तो मैं यहाँ पर अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यह बनाऊँगी सूजी एंड दही के चीले। यहाँ मैं 5-6 जितने आपको चीले चाहिए उस हिसाब से आप सूजी ले लीजिए एंड उतनी ही क्वांटिटी में आपको कर्ड लेना है। दोनों को मिक्स करके रख दीजिएगा 5 मिनट्स के लिए। फ्रेंड्स, जब दही और सूजी मिक्स हो जाए अच्छे से तो थोड़ा सा ना उसमें पानी भी ऐड कर दीजिएगा। सूजी जो है ना वो हल्के हल्के फूल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। ट्रस्ट मी गाइस, इसका टेस्ट ना बहुत गजब का आता है, बहुत अच्छा। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट हेल्दी टिप के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ ना, पानी को गर्म कर लूँगी एंड यहाँ मैंने माइक्रोवेव में 1 कप पानी रख दिया है। 1 मिनट का मैं टाइमर फिक्स करूँगी एंड उसके बाद मेरा पानी एकदम गर्म हो जाएगा। एंड इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेरी पुरानी बिछड़ी हुई फ्रेंड यानी कि लिप्टन ग्रीन टी, जिसका पैकेट मैंने ऊपर उठा के रख दिया था। इसका टेस्ट बड़ा ही ख़राब सा लगा था मुझे, तो मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया। और इसके टैग को देखकर इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, लेट्स स्टे फिट OMG। सो बस इसी टैग के सहारे मैंने इस पैकेट को दोबारा से ओपन करके निकाल लिया। देन पैकेट को ओपन करके मैं अपने कप में इसको डिप करके रख दूंगी 2 मिनट्स के लिए एंड तब तक मैं अपनी सारी वेजिटेबल्स को कट कर लूँगी जो मुझे चीले में ऐड करनी है। एंड इसमें मुझे 5 मिनट्स लग गए थे कट करने में, तो मेरी टी और भी ज़्यादा अच्छे से हो गई थी, तो 5 मिनट्स के बाद मैंने उसको इंजॉय किया। सूजी और कर्ड का मिक्सचर रखा था ना, उसके अंदर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एंड इन दोनों को अगेन मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा और पानी डाल के, क्योंकि सूजी बहुत अच्छे से सोख गई थी ना, तो वो एकदम मतलब सारा पानी उसने सोख लिया था। तो मैंने पानी भी ऐड किया है, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। इसमें जितना आपको लगता है कि पानी ऐड करना चाहिए एक अच्छे पेस्ट के लिए, तो उसी हिसाब से मैं इसमें यहाँ पानी ऐड कर रही हूँ एंड आपको ऐसा ही पेस्ट बनाना है जैसा वीडियो में दिख रहा है। गाइस, जब हम लोग कुछ हेल्दी करना चाहते हैं ना और अगर उसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए तो वाह वाह क्या बात है। एंड अब मैं इसको फिर से ढक के रख दूँगी एंड अब मैं इंजॉय करूँगी अपनी ग्रीन टी एंड इसको फील करके मैंने नहीं पिया मैंने फील करके नहीं पिया गाइस। मैं बालकनी में बैठी, बाहर जो हो रहा था, जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, मेरा फुल फोकस उस पर था और थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा सिप कर करके मैंने इसको ख़त्म किया एंड लास्ट का जो मैंने सिप लिया है इतना अजीब टेस्ट था। हो सकता है मैंने काफ़ी टाइम बाद तो इसको यूज़ किया ना, तो बहुत अजीब सा टेस्ट लग रहा था। लेकिन भाई हेल्दी शुरुआत होनी है ना तो ग्रीन टी से करें या फिर गर्म पानी पी लें, सिंपल। बट मैंने सोचा कि यार ग्रीन टी से करते हैं, थोड़ा सा अच्छी वाली फीलिंग लेनी है एंड फाइनली डन। सो चलते हैं अपने चीलों की तरफ जो कि हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट देंगे। काफ़ी हैवी होता है ना, तो आप 3-4 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे और आपका पेट एकदम भरा भरा सा लगेगा। तो आप जंक फूड से और जो हम लोग चीट करते हैं ना खुद से,
उससे बचाएंगे। तो मैंने सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर दिया बहुत ही अच्छे से, पानी की ज़रूरत नहीं थी, उसी में ही काम हो गया था। पैन को गर्म किया, थोड़ा सा बटर लगाऊंगी, थोड़ा सा बस लगाना है जिससे आपका चीला जले नहीं, ठीक है। और अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है जब आप बटर यूज़ करते हो ना, तो मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया और उस पर चीला रख दिया। ऊपर वाला कोड नहीं करना है हमें, बस नीचे नीचे ही लगाना है। देन अपनी प्लेट तैयार कर ले एंड चीला सिकने का वेट करें। एक साइड में आपको चाय रख देनी है एंड चाय में चीनी आपको नहीं डालनी है। हम हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो हमको शुगर ऐड नहीं करनी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ना आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया वाली एडवाइस दूंगी मैं। इस एडवाइस के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक मैं अपने छोटू बेबी से खेल लूँ, क्योंकि अनाया इस बीच उठ गई थी। वो देख रही थी, ओ माय गॉड, मेरी मम्मा इतनी जल्दी कैसे उठ गई। तो अनाया क्या होता ना, जब मैं उठती तो एक घंटे बाद उसको उठना ही है, एक डेढ़ घंटे में वो उठ जाती, उसको पता चल जाता है कि मम्मा यहाँ से जा चुकी हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं टी आप कैसे बनाएं। आपको सब कुछ ऐड करना है वैसे ही, बस शुगर की जगह आपको यूज़ करना है स्टीविया, या तो आप ये यूज़ कर लें, ये एक नेचुरल शुगर का काम करती है। एंड आप इसका एक पैक एक कप के लिए एकदम सफिशिएंट है। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो दूसरा पैक का हाफ ले सकते हैं, या फिर आप ऐड कर सकते हैं अपनी चाय में ये जैगरी पाउडर। एंड ये हाउस ऑफ वेदा का है एंड ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। स्टीविया आतिफ का फेवरेट है एंड जैगरी पाउडर मेरा फेवरेट है। गाइस, इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को मैंने एंजॉय किया अपने बचपन की यादों से। तो ऑसवर्ल्ड मेरा फेवरेट कार्टून है और इसको मैं देखते हुए अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रही थी अनाया के साथ भी। और ये वाला ना चीला आप बच्चों को भी खिला सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी अलग से रेड चिली ऐड नहीं होती है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा अनाया को खिलाया। इसका थोड़ा सा जो हम लोग कर्ड ऐड करते हैं ना, हल्का खट्टा टेस्ट भी होता है। थोड़ा सा फोकस करना होता है कि अगर आप बच्चों के लिए नहीं अलग से बना रहे हो, साथ में ही बना रहे हो, तो अपने लिए जो ग्रीन चिली ऐड करते हैं ना हम लोग, उसको हटाकर ही बेबी को देना है। आप भी अपने बेबीज के साथ इंजॉय कीजिए, अगर आप मदर हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके बेबी का रिएक्शन क्या था, क्योंकि अनाया को काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक आपके बेबीज़ को भी अच्छा लगेगा। गाइस, जिन भी बेबीज को ये पसंद आता है, आप लोग ट्राई करते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके बेबी का क्या रिएक्शन था और एंड उनका नाम क्या है। मैंने तीन चीले बनाए थे एंड जिसमें से दो चीले जो हैं वो मैंने खा लिए थे और वो काफ़ी हैवी हो गए थे, क्योंकि इतनी सारी वेजिटेबल्स ऐड होती है ना, तो मेरा तो एकदम पेट फुल हो गया था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं दो तीन घंटे तक कुछ भी खाऊंगी। गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और मैं ऐसी ही हेल्दी टिप्स आप सबके लिए लाती रहूँगी, आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी बनाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।